नमस्कार सभी अभ्यर्थी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भर्ती अपडेट में। पश्चिम बंगाल में शिक्षकों के 11,765 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। वेस्ट बंगाल शिक्षक भर्ती में आवेदन करना चाहते हो वो तो WBBPI की आधिकारिक वेबसाइट https://www.wbbpionline.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस शिक्षक भर्ती के जरिए पश्चिम बंगाल में प्राइमरी टीचरों के कुल 11,765 पदों पर योग्य अभ्यर्थी को चयन किया जाना है। WBBPE की ओर से शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन 20 अक्टूबर को जारी किया गया और इसके ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर 2022 से शुरू हो चुके हैं। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी आगे देखें आवेदन की प्रमुख शर्तें व आवेदन की प्रक्रिया क्या है वो देख। तो WBBPE प्राइमरी शिक्षक भर्ती की प्रमुख तिथियां देखें तो ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि है 21-10-2022, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 14-11-2022, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 14-11-2022। कुल रिक्तियां देखें तो 11,765 है। रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट के एक आदेश के तहत इन कुल रिक्तियों में से 86 रिक्तियां घटाई जाएगी। इस भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन WBBPE भर्ती अधिनियम 2016 के अनुसार किया जाएगा। आयु सीमा देखें तो 18 से 40 वर्ष होगी। आवेदन शुल्क देखें तो सामान्य वर्ग के लिए 150 रुपये, OBC एवं B के लिए 100 रुपये, SC ST के लिए 50 रुपये हो गए। आवेदन शुल्क है ऑनलाइन माध्यम से जमा कराया जा सकता। शैक्षणिक योग्यता देखें तो प्राइमरी शिक्षक की भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को स्पेशल एजुकेशन में DLED या DED या BED डिग्री रखने के साथ ETET भी पास होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया व अन्य शर्तों के लिए अभ्यर्थी यहाँ दिया जा रहा पूरा भर्ती नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हाल में TET पास सैकड़ों अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग व राज्य के सरकार से शिक्षक भर्ती निकालने के लिए प्रदर्शन किया था। अभ्यर्थियों का दावा था कि उन्होंने 2014 में TET की परीक्षा पास की है लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती नहीं निकली गई। WBBPI कार्यालय के बाहर धरना देकर अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती निकालने की मांग की थी। अभ्यर्थियों ने फिर से TET में शामिल होने से इनकार कर दिया था और मांग की थी कि जब वे TET पास कर चुके हैं तो उन्हें शिक्षक की नौकरी पर नियुक्त क्यों नहीं दी जा रही। और इसकी जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।